फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है नायलॉन खमण और साथ में है इसी की चटनी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है नायलॉन खमण। तो अभी मतलब प्रोसेस चालू है, नायलॉन खमण का बेस स्टीम होके रेडी हो गया है। और ये देखिए तड़का भी तैयार किया है। तड़का में मैंने तेल लेके राई का तड़का डाला और फिर इसके अंदर करी पत्ता, हरी मिर्च डाली और इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाली, नमक और चीनी डाली है, पानी डाला है और इस तरह से इसका तड़का तैयार किया है। अभी ये तड़का ये अपने बेस पे जाएगा। ये तड़के को अब अपने डाल देंगे बेस पे। देखिए इस तरह से। और ये अभी तड़के को अपने 10 मिनट सीजने देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है नायलॉन खमण। तो ये देखिए बनके हो गया है रेडी। इसके ऊपर मैंने तड़का भी डाल दिया है। तड़का 10 मिनट पहले डाल दिया था, सीजने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से सीज गया है। और अब अपने इसके ऊपर डालेंगे बढ़िया सा फ्रेश धनिया और अब अपने इसके पीसेस करेंगे। और ये देखिए इसके पहले तो बढ़िया से पीसेस कर लेते हैं। और ये मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं और ये जो साइड वाला पार्ट है इसका निकाल के चटनी बनाएंगे थोड़ी खमण की ही। और ये देखिए मैं आपको खमण बताती हूँ कैसे बढ़िया सा एकदम जालीदार, देखिए एकदम स्पॉन्जी बना है। तो बस ये देखिए अपना एकदम स्पॉन्जी जालीदार खमण जूसी बनके हो गया है रेडी। और अब अपने इसकी मैं थोड़ी चटनी बनाऊंगी साइड वाले पीस की। तो ये चटनी के लिए निकाल लेते हैं। चटनी बनाने के लिए इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पुदीना, ये फ्रेश धनिया डाला है और ये मिर्ची डाली है और अपने ये जो साइड के खमण के पीसीस हैं उसका बुक्का करके डाल देंगे और इसको पीस के चटनी बनाएंगे। तो इसके अंदर ये हरी धनिया और पुदीना पीस लिया है और अब अपने इसके अंदर ये डाल देंगे ढोकला के पीसीस और इसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा पानी और अब इसको पीस के चटनी बनाएंगे। और ये देखिए अपनी चटनी, मैंने सिर्फ इसको एक ही बार में पीस लिया, इसको मैंने सिर्फ एक ही बार चलाया है। और अपनी देखिए इस तरह से आपको जितनी गाढ़ी पतली रखनी है। तो बढ़िया सी चटनी बनके हो गई है रेडी। तो अपने खमण भी रेडी है, चटनी भी रेडी है और थोड़ा सा डालेंगे बढ़िया सा फ्रेश धनिया। ये देखिए अपने खमण के पीस बनके हो गए हैं रेडी। इसी के साथ साथ मैंने ये खमण की ही चटनी बनाई है, ये भी बनके हो गई है रेडी। अब इसको सर्व करेंगे। खमण और खमण की चटनी बनके हो गई है रेडी, अब इसको सर्व करते हैं। और अब देखिए मैंने ये नायलॉन खमण का इस तरह से प्लेटिंग कर लिया है और ये है सारी जिसमें बना था वो, और ये है इसी की नायलॉन खमण की चटनी। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। Please like, share and subscribe my channel and follow my Facebook page and follow me on Instagram. Thank you.